हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल्स होंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पे बेस्ड, और ये इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे और ये प्रीवियस ईयर में आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं, ठीक है। तो ये बेहतर तरीके के न्यूमेरिकल्स होंगे, आपको ये ज़रूर करना चाहिए। अगर इस तरीके के क्वेश्चन कर लेते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में आता है तो आपसे 110% ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर करिएगा। हम न्यूमेरिकल कहीं से भी उठा लेंगे लेकिन ये होगा केवल इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के ही, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे दिया गया है कि टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ए बी एंड सी डी ईच ऑफ डाइपोल मोमेंट पी आर केप्ट एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एज शोन इन फिगर। What is the resultant dipole moment of this combination? एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा बोल रहा है, If this system is subjected to a electric field, E directed along positive x direction, then what will be the magnitude of the torque acting on it? ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे जो फोटो बनाया गया है उस फोटो को अपन देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से ये बनाया गया है, ठीक। ये बोल रहा है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस तरीके से एक डाइपोल को रखा गया है इस तरीके से, मतलब ये इसके अलोंग रखा गया है ये, और ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये दे रखा है। एक डाइपोल को रखा गया है इस तरीके से ये, और ये दे रखा है आपका माइनस क्यू, और ये दे रखा है आपका प्लस क्यू, ठीक है। बोल रहा है कि इनके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है। हमसे पूछ रहा है फर्स्ट कि बताइए नेट डाइपोल मोमेंट यानी पी नेट की वैल्यू, हमसे ये पूछ रहा है। सेकंड हमसे पूछ रहा है कि टॉर्क बताइए, टॉर्क कितना लगेगा, ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो देखिए, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, तो हम बोल देंगे ये रहा, ठीक है। तो इसे हम मान लेंगे P1। अगर इसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात करें तो नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी ये आ जाएगा P2, ठीक है। हमसे पी नेट पूछा है, तो अगर ये P1 है, ये P2 है, मतलब ये दे रखा है आपका P2 और ये दे रखा है आपका P1, तो जो नेट इसमें आने वाला है वो नेट इसके बीच में कहीं आएगा और ये होगा पी नेट, ठीक है। अब देखिए, अपन पी नेट जब कैलकुलेट करेंगे तो पी नेट इज इक्वल टू आ जाएगा रूट में P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1P2 कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे 120 डिग्री है क्योंकि P1 और P2 के बीच का एंगल दे रखा है 120 डिग्री, ठीक है। तो थीटा कितना है, 120 डिग्री है। अब देखिए, यहाँ पे ये जो लेंथ दी गई है, ये लेंथ सेम है, मतलब जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ इसकी भी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें P की, तो P इज इक्वल टू Q इनटू, अगर इसके टोटल लेंथ की बात कर लें तो 2L ये है, इसके भी लेंथ की बात करें तो ये भी लेंथ 2L है। तो ये जैसे P2 है, जैसे अगर इसके P1 की बात करें तो ये P1 है, तो P2 की भी वैल्यू तो Q इंटू 2L के बराबर ही होगी, यानी कि P1 और P2 दोनों आपस में बराबर हैं, इसे हम P के बराबर मान लेते हैं और इसकी वैल्यू है Q इंटू 2L के बराबर, ठीक है। तो P1 P2 आपस में बराबर हैं और ये P के बराबर हैं, तो यहाँ से P नेट इज इक्वल टू आ जाएगा रूट में P1 के प्लेस पे P का स्क्वायर, P2 के प्लेस पे P का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 का मतलब P का स्क्वायर और cos 120, और cos 120 की वैल्यू होती है माइनस हाफ। ये अब तक याद हो गया होगा कि cos 120 की वैल्यू होती है माइनस हाफ, ये हो गया। अब देखिए, यहाँ से हम निकालेंगे P नेट इज इक्वल टू आ जाएगा रूट में P स्क्वायर यानी 2P स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस 2P स्क्वायर इंटू क्या हाफ होगा, 2 से 2 कैंसल आउट, 2P स्क्वायर में से P स्क्वायर घटाएंगे तो रूट P स्क्वायर बचेगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी P के बराबर, यानी P नेट की वैल्यू क्या आई है,
पी के बराबर आई है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि थीटा की वैल्यू, टॉर्क की वैल्यू बताइए। तो देखिए टाउ इज इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा, और जो थीटा होगा यहाँ पे, मतलब जब टॉर्क अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये पी नहीं, ये पी नेट है। एक्चुअल में क्या है, पी नेट है। तो ये है पी नेट इंटू ई साइन थीटा, ये दे रखा है। ध्यान से आप समझिए यहाँ पे, यहाँ से अगर हम बात करें कि पी नेट और ई के बीच का एंगल, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये पी नेट है। मतलब अब हमें निकालना है इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है वो निकालने के लिए सबसे पहले अपन कैलकुलेट कर लेते हैं रिजल्टेंट और P1 के बीच का एंगल कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले अपन ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, थोड़ा इसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे डायरेक्शन, मतलब जो रिजल्टेंट है उसकी यहाँ से डायरेक्शन क्या होगी। तो हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्शन यानी एंगल के बारे में। ठीक है, तो ये आता था टैन थीटा इज इक्वल्स टू पी टू, यहाँ पे पी टू, और ये आ जाता था साइन थीटा अपॉन पी वन प्लस पी टू कॉस थीटा, ये आ जाता था। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू अगर P2 की बात करें तो P, और sin थीटा मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, तो हम लिखेंगे sin 120 डिग्री अपॉन, अब ये P1 के प्लेस पे P प्लस P2 के प्लेस पे P, और यहाँ पे आ जाएगा cos 120 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर sin 120 डिग्री की बात करें तो ये होता है रूट थ्री बाई टू, कॉस 120 डिग्री की बात करें तो ये होता है माइनस हाफ, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम रखेंगे टेन थीटा इज इक्वल्स टू, अब देखिए टेन थीटा इज इक्वल्स टू, और इसे हम थीटा नहीं, इसे हम अल्फा मान लेते हैं, मतलब P1 और P नेट के बीच का एंगल हम मान लेते हैं अल्फा, और ये रहा अल्फा। ठीक है, ये भी रहा अल्फा, हम ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे P, साइन 120 की वैल्यू है रूट थ्री बाई टू अपॉन पी, ये आएगा P, और कॉस 120 की वैल्यू माइनस वन बाई टू, तो माइनस वन बाई टू अच्छा रख लीजिए, तो ये फिर आपका आ जाएगा प्लस में, ये माइनस वन बाई टू, यहाँ से देखिए P रूट थ्री बाई टू ये आ गया अपॉन में ये, अब देखिए ये आप माइनस प्लस करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा और ये आ जाएगा, ये हट जाएगा, तो ये P बाई टू और ये P है, तो P माइनस P बाई टू का मतलब ये आ जाएगा P बाई टू, ये से ये कैंसिल आउट, P से P कैंसिल आउट, बचेगा रूट थ्री। ठीक है, और देखिए tan अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है रूट थ्री, इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू होगी 60 डिग्री। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ से ये जो वैल्यू दी गई है, ये दी गई है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू 60 डिग्री आ रही है, मतलब इसको हम प्रॉपरली लिखें तो ये लिखेंगे कि ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, तो ये तो आ गई इसके और इसके बीच का एंगल, लेकिन अब हमें निकालना है इसके और इसके बीच का एंगल, कि इसके इसके बीच का एंगल कितना होगा। ठीक है, अब देखिए अगर बात किया जाए यहाँ पर अगर बात करें तो अगर टोटल की बात करें तो टोटल कितना दिया गया है, तो टोटल देखिए ये टोटल 120 डिग्री है, टोटल 120 डिग्री है, और ये कितना आ गया है 60 डिग्री आ गई है, ये कितना आया है, ये कितना होगा 60 डिग्री, ये कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि ये और ये इसके बीच का एंगल अगर 60 डिग्री आया है तो इसका मतलब ये भी होगा 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो फिर P नेट और E के बीच का एंगल ये कितना होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर का मतलब ये पूरा एंगल 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ये जो एंगल बचेगा वो 90 माइनस 60 डिग्री यानी ये आ जाएगा 30 डिग्री, यानी E और P नेट के बीच का एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। अब हम आराम से निकाल सकते हैं टाउ यानी टॉर्क निकालेंगे,
तो देखिए टाउ इज इक्वल टू आएगा पी ई साइन थीटा, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू पी के प्लेस पे पी और ई के प्लेस पे ई और यहाँ पे साइन 30 डिग्री ये रख देंगे। तो टाउ इज इक्वल टू पी ई इंटू साइन 30 की वैल्यू हाफ, तो ये आ जाएगा पी ई बाई टू, ठीक है। तो टॉर्क आ जाएगा पी ई बाई टू। तो देखिए ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये हमारे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तौर तरीका समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए अपन एक बेहतर क्वेश्चन देख रहे हैं और क्वेश्चन देखिए बोर्ड स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज सेट अप बिटवीन टू पैरेलल प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर एज शोन इन फिगर। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स विद अ स्पीड वी नॉट, द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज एल। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसकी फोटो देखिए। जैसे ये है दो प्लेट्स हैं, ठीक है, ऊपर पॉजिटिव प्लेट है नीचे नेगेटिव प्लेट है, ये है। बोल रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन ये एंटर करता है इसमें वी नॉट से, ठीक है। और बोल रहा है कि फिर बाद में ये एग्जिट कर जाता है और ये एग्जिट कर जाता है, तो बोल रहा है कि कितने एंगल पे ये एग्जिट करेगा। तो हम मान लेते हैं कि इस प्लेट से ये थीटा एंगल पर एग्जिट कर जाता है, ठीक है। और इस जो प्लेट है प्लेट की लेंथ दे रखी है एल। आप ध्यान से समझिएगा, ये निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, मतलब एक्सेलरेशन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी क्यू ई अपॉन एम के बराबर। अगर हम मान लें कि इसका मास एम दिया गया है तो एक्सेलरेशन ये मिल जाएगा, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होता है, तो हम बोलते हैं ये होता है वाई डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। अगर इसको एक्स मान लें तो एक्सेलरेशन होता है वाई डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो वर्टिकल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये वी वाई के बराबर है, ठीक है। तो अगर हम वी वाई निकालना चाहें तो हम लिखेंगे वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ये इक्वेशन लिखेंगे वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो यू वाई की वैल्यू तो होगी ज़ीरो क्योंकि शुरुआत में ये रेस्ट पे रहा होगा, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। वी वाई की बात कर रहे हैं लेकिन ए वाई भी हमने देख लिया कि ये वाई डायरेक्शन में है, मतलब इसे हम ए वाई बोल सकते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड की बात कर रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगेगा जब ये चार्ज पार्टिकल इस प्लेट को एग्जिट कर जाता है, ठीक है। तो हम टाइम मान लेते हैं टी और टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है एल, स्पीड है इसकी वी नॉट, ठीक है। तो ये टाइम आ गया, इतने टाइम में ये इस प्लेट को एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। अब हम वी वाई की बात करें तो वी वाई इज इक्वल टू ए वाई यानी कि एल, सॉरी ए वाई का मतलब क्यू ई अपॉन एम, तो क्यू ई अपॉन एम ये आ गया ए और टी के प्लेस पे हम रखेंगे एल अपॉन वी नॉट, ठीक है। ये आ गई हमारी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी। अब एक बात और ध्यान रखिए, ये आप जो केस देख रहे हैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, मतलब ये ऐसे जा रहा था लेकिन धीरे धीरे ऐसे बेंड होता चला गया, मतलब ये एक प्रोजेक्टाइल का केस दिख रहा है। और प्रोजेक्टाइल में एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, मतलब जो शुरुआत में अगर हम इसको बोल दें कि ये वी एक्स था और वी एक्स की वैल्यू वी नॉट थी, तो हम बोलेंगे कि जब ये यहाँ पहुँच चुका है तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स डैश है इसकी भी वैल्यू वी नॉट के बराबर ही होगी।
शुरुआत में इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट यानी वी वाई था ये ज़ीरो था, लेकिन यहाँ पे वी वाई ज़ीरो नहीं है, वी वाई की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है। वी एक्स की वैल्यू वी नॉट रहेगी हमेशा, ठीक। अब हमें निकालना है कि कितने एंगल पे एग्जिट करेगा। तो देखो ये है थीटा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, इस तरीके से इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे तो बात वही है, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे टैन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का मतलब वी वाई अपॉन बेस, और बेस का मतलब वी एक्स, ये करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे टैन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी वी वाई का मतलब क्यू ई एल अपॉन में ये एम वी नॉट, तो ये आ जाएगा एम वी नॉट इन टू वी एक्स, और वी एक्स की वैल्यू वी एक्स ने वी एक्स डैश, और वी एक्स डैश की वैल्यू वी नॉट के बराबर है, तो ये है वी नॉट के बराबर। तो हम यहाँ से लिखेंगे टैन थीटा इज इक्वल्स टू क्यू ई एल अपॉन एम वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर यहाँ से थीटा हमसे पूछा जाए तो हम बोलेंगे टैन इनवर्स क्यू ई एल अपॉन एम वी नॉट का स्क्वायर, और यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। मतलब इतने एंगल पे ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट को एग्जिट करेगा, ठीक है। देखिए ये बेहतर क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को आप समझ गए सीख गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए एक हम बेहतर क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है फिगर शोज ट्रैक्स ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, गिव द साइन ऑफ थ्री चार्जेस, विच पार्टिकल हैज द हाइएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है। अच्छा फोटो यहाँ पे दिया गया है, फोटो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है, ठीक है। बोल रहा है कि तीन चार्ज पार्टिकल हैं, एक ये है, दूसरा ये रहा, दूसरा ये है, ठीक है, और तीसरा बोल रहा है ये है, ठीक है। और इसमें हम इसको फर्स्ट बोल दे रहे हैं, सेकेंड बोल रहे हैं, और ये थर्ड बोल दे रहे हैं, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें चार्ज और मास का रेशियो बताइए किसका ज़्यादा होगा, यानी कि हमसे पूछ रहा है क्यू बाई एम किसका ज़्यादा होगा। उसके बाद हमसे एक और पूछ रहा है कि बताइए इन चार्ज पार्टिकल्स का नेचर क्या होगा, मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में चार्ज पार्टिकल का नेचर। देखिए अगर फर्स्ट और सेकेंड की बात करते हैं तो फर्स्ट और सेकेंड जो चार्ज पार्टिकल हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनका नेचर निगेटिव है, मतलब ये निगेटिव नेचर के हैं, ठीक है। अगर यहीं पर थर्ड चार्ज पार्टिकल की बात करें तो ये निगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहा है, मतलब जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव नेचर का है। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये तो नेचर अब समझ गए। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए E अपॉन M किसका ज़्यादा होगा। तो देखिए एक बात इसमें ध्यान रखेंगे कि जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा उसी का मास, सॉरी चार्ज अपॉन मास का रेशियो ज़्यादा होगा, यही चीज़ हमें देखना है, ठीक है। मतलब हम देखेंगे डिफ्लेक्शन को कि किसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा उसका चार्ज और मास रेशियो ज़्यादा होगा। अब इसी चीज़ को हमें प्रूफ करना है, तो ध्यान से देखिए अगर हम बात करें इसमें कि कोई चार्ज पार्टिकल, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल क्यों था, एक हम जनरल ले लेते हैं, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, तो इसके ऊपर अगर फोर्स की बात करें या इसके एक्सेलरेशन की बात करें इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसमें एक्सेलरेशन की बात करें तो ये क्यू ई अपॉन एम होता था, ये एक्सेलरेशन होता था, ठीक है। हम मान लेते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल शुरुआत में रेस्ट पर था, यानी यू की वैल्यू ज़ीरो, ठीक है। अब हम ऐसा मान लेते हैं कि सबको टी टाइम लगा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, सबका टाइम सेम है, बस ये देखना है कि डिफ्लेक्शन किसका ज़्यादा होगा। तो देखिए हम यहाँ पे रखेंगे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन वो d है, मतलब ये जो डिफ्लेक्शन है वो d है,
तो हम एस के प्लेस पे डी पुट करेंगे इज इक्वल्स टू अब यू टी, यू शुरुआत में जीरो तो ये बचा है हाफ ए, एक्सेलरेशन का मतलब क्यू ई अपॉन एम, तो क्यू ई अपॉन एम ये आ गया है इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, सबके लिए टाइम यहाँ पे फिक्स है, यानी कि टाइम क्या है कांस्टेंट है, सबके लिए टाइम कांस्टेंट है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इन प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे 2 भी आप कांस्टेंट देख रहे हैं, तो D जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q अपॉन M के, Q अपॉन M के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, D की वैल्यू ज़्यादा तो Q अपॉन M की भी वैल्यू ज़्यादा, यानी कि हम बोलेंगे कि D की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो Q अपॉन M की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अब इसमें हमें ये देखना है कि डिफ्लेक्शन किसका ज़्यादा हुआ है, तो देखिए डिफ्लेक्शन थर्ड पार्टिकल का ज़्यादा हुआ है। ठीक है, डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुआ है तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि इसी का चार्ज और मास रेशियो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना ही सिंपल है, बस इसमें एक बात ये है कि आपको एक से दो बार इन क्वेश्चंस को अगेन करने पड़ेंगे, तभी जाके ये पूरा का पूरा आप क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अपन एक बेहतर क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2×10⁴ न्यूटन पर कूलम, फोटो में दिया गया है। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू अ सेम डिस्टेंस। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, कंट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, लैंग्वेज चाहे जैसी भी हम क्वेश्चन समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया था कि फोटो भी आपको दिख रहा होगा, इस तरीके की फोटो दो बनाई गई है। यहाँ पे ये माइनस ये है, यहाँ पे प्लस है, ये दिया गया है और यहाँ पे प्लस कर दिया गया है और यहाँ पे माइनस कर दिया गया है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रखा गया है और इसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ये है, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, प्रोटॉन के ऊपर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स लगेगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F, तो हम बोलेंगे F इज इक्वल्स टू एम ए। हाँ, इसका मास की बात करें तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसकी बात करें तो ये है मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन F इक्वल्स टू एम ए और इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर इसमें बात करें तो क्या क्यू ई के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्यू ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो क्यू ई ई अपॉन एम और यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एम ई के बराबर होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन तो हमें मिल गया, ये एक्सेलरेशन होगा। शुरू में हम मान लेते हैं कि ये रेस्ट पे रहा होगा, मतलब यू की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। अब हमसे पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस जो डी डिस्टेंस दी गई है, जो डी डिस्टेंस दी गई है, इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए इसके लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, तो ये आएगा एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये आएगा। अब देखिए एस के प्लेस पे हम डी रखेंगे, यू यू की बात करें यू ज़ीरो है इसीलिए ज़ीरो हो जाएगा, हाफ ए के प्लेस पे हम रखेंगे क्यू ई इंटू ई अपॉन एम ई, ये रखेंगे इंटू टी का स्क्वायर। और हमसे यही टाइम पीरियड पूछा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ से हम लेंगे टी ई इज इक्वल्स टू, तो देखिए ये डी
डी तो ये डी रहेगा, यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा तो इंटू टू मास का भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन डिवाइड में जाएगा क्यू ई इंटू ई, तो ये क्यू ई इंटू ई ये जाएगा और ये टी का स्क्वायर, यानी कि हम लगा देंगे स्क्वायर रूट, ठीक है, टी का स्क्वायर होगा, यहाँ टी स्क्वायर बनता तो हम स्क्वायर रूट लगा दिए इसको हटा के, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा कि टी ई की वैल्यू क्या आने वाली है, तो देखिए टी ई, अच्छा सबसे पहले हम बात कर लें यहाँ पे डाटा क्या क्या गिवन है, तो डी की वैल्यू दे रखी है आपका 1.5 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर ये रखेंगे। अब देखो डी की वैल्यू मिल गई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी, ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे गिवन है और इसका इसकी वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम, ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। सारी वैल्यूज़ को अपन यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं टी ई इज इक्वल्स टू रूट में ये, अब डी, डी के प्लेस पे अपन पुट करेंगे 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू, अब 2, ये 2 तो 2 है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 1.9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 ये आ गया, अपॉन में ये देखिए क्यू ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 इंटू 10 की पावर 4 ये दिया गया है। तो देखिए जब इस वैल्यू को अपन कैलकुलेट करते हैं तो टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है 2.9 इंटू 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड, ये आ जाता है 2.9 इंटू 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड। अगर इसकी बात करें तो ये लिख सकते हैं 2.9 अपॉन 10 की पावर प्लस 9 सेकेंड, ये लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई किस तरीके से कैलकुलेट किया गया, उसी तरीके से ये आ गया टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आ गया अपना टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करेंगे टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन की, तो फिर से यहाँ पे F इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे Q तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो क्यू पी ई अपॉन एम पी ये आ गया, ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब हम बात करने जा रहे हैं कि टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, तो S इज इक्वल्स टू अगेन यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर ये आ जाएगा, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। S यानी कि डिस्टेंस कितनी है d, तो d इज इक्वल्स टू हाफ a के प्लेस पे अपन पुट करेंगे चार्ज ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इंटू t का स्क्वायर ये। अब देखिए यहाँ से अपन t जब कैलकुलेट करेंगे तो t इज इक्वल्स टू 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू d अपॉन में आ जाएगा क्यू पी इंटू ई और ये आ जाएगा रूट में, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने की बात है तो देखिए टू मास ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पे देखिए मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ये होता है ये होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी, ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन। अगर हम चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे चार्ज, ये हो गया डिस्टेंस, d इज इक्वल्स टू अगेन क्या 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर आएगा, बिल्कुल आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवेन है और यह 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। जब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पुट करेंगे तो टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन ये आएगा टी पी इज इक्वल्स टू ये आएगा 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 7 सेकेंड के बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, अच्छा इसको और ये लिख सकते हैं कि 1.25 इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा ये नीचे वाली वैल्यू बड़ी है
और ये नीचे वाली वैल्यू छोटी है, मतलब ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगी छोटी, ये वैल्यू क्या होगी छोटी, और ये वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी। तो ये वैल्यू क्या होगी बड़ी, ये हो जाएगा। हमसे बोल रहा है कि दोनों में कंपेयर करो कि किसका टाइम पीरियड ज़्यादा है। तो देखिए टाइम पीरियड इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है और टाइम पीरियड प्रोटॉन का, सॉरी टाइम पीरियड इलेक्ट्रॉन का कम है और टाइम पीरियड प्रोटॉन का ज़्यादा है। मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक इस प्रोटॉन को आने में ज़्यादा समय लगेगा एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एक बात आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जो टाइम पीरियड आया था टी इज इक्वल्स टू, वो रूट में आया था 2D इंटू एम, मतलब मास अपॉन यहाँ पे चार्ज यानी कि क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आया था। ठीक है, एक बात आप यहाँ से ये समझ सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, चार्ज दोनों का सेम है यानी ये भी कांस्टेंट, डी ये भी कांस्टेंट है, तो मास दोनों का अलग अलग है। तो टाइम पीरियड की सारी डिपेंडेंसी चली गई थी रूट एम के ऊपर, यानी हम बोल सकते हैं मास के ऊपर। तो हम यहीं से समझ सकते थे, डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा। तो इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻²⁷ kg, ये होता है। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये होता है 9.1 × 10⁻³³ kg। ठीक है, तो ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये कम होता है और मास ऑफ प्रोटॉन होता है ज़्यादा। अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है। तो देखिए प्रोटॉन का मास ज़्यादा है मतलब प्रोटॉन का टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का मास कम है मतलब इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड कम होगा। तो अगर दोनों में कभी कंपेयर करने को आ जाए कि टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन और टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम बोलेंगे कि प्रोटॉन का टाइम पीरियड ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। रीज़न बस ये है कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। ठीक है, ये है। तो आप जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव है, सॉरी सब्जेक्टिव है, तो इतना करने की ज़रूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, ये एक बेहतर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। एक बात और अपन सीखते हैं यहाँ से, हमसे पूछा था कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दें, मतलब फ्री फॉल का केस ले लें, फ्री फॉल का केस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दें तो दोनों में क्या, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है, जो अभी केस लिया और जो अब लेने वाले हैं उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखिए फ्री फॉल का मतलब कि आपने ये प्रोटॉन लिया यानी Mp, आपने ये इलेक्ट्रॉन लिया यानी कि Me, इसका चार्ज है Qp और इसका चार्ज है Qe, तो दोनों का चार्ज आपस में क्या होगा मैग्नीट्यूड बराबर, सारी डिपेंडेंसी चली गई है इसके ऊपर। अब हम बात कर रहे हैं कि इसको डी डिस्टेंस अगर ट्रेवल करनी है, डी डिस्टेंस हम ये मान लेते हैं डी है और यहाँ से भी हम ये मान लेते हैं कि डी है, तो डी डिस्टेंस कवर करनी है तो टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए इस तरीके का जब भी केस आता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे s = ut + ½ gt² ये ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर शुरुआत में इसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी, हमें t निकालना है, तो देखिए t square इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2s / g के। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई g से डिवाइड, तो t इज इक्वल्स टू आ जाएगा रूट में 2s / g। ठीक है, अब देखिए ये कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, s भी कांस्टेंट है, यानी कि टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड दोनों के लिए कांस्टेंट होगा। बात समझ आई, मतलब टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी मास के ऊपर है ही नहीं, दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा सेम होगा। मतलब डी डिस्टेंस कवर करने में इलेक्ट्रॉन को जितना समय लगेगा, प्रोटॉन को जितना समय लगेगा उतना ही समय इलेक्ट्रॉन को भी लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड इनके मतलब मास और चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेहतर क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है, इसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, एक दो बार ज़रूर देखिएगा।
ठीक है। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड कैरिंग चार्ज माइनस क्यू इज मूविंग अराउंड अ चार्ज प्लस क्यू एलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। प्रूफ दैट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द चार्ज माइनस क्यू अबाउट प्लस क्यू इज गिवन बाई टी इज इक्वल्स टू रूट में 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब अपॉन क्यू वन क्यू टू। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि यहाँ बोल कर रहा है, जैसे ये बोल रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज को आपने ले लिया इस तरीके से और ये प्लस आपका दिया है क्यू टू, ठीक है। इसके अराउंड हम एक निगेटिव चार्ज को रिवॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। एक निगेटिव चार्ज यानी क्यू वन को रिवॉल्व करा रहे हैं, तो हमसे बोल रहा है कि टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा अगर इसका रेडियस आर हो जाए। तो देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी न्यूक्लियस या सेंटर के अबाउट अगर रिवॉल्व करता है तो इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर दो फोर्स लगेंगे। एक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ जिसे बोलेंगे FC का मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक फोर्स लगता है अंदर की तरफ जिसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स यानी FC। और यहाँ पे देखिए दो चार्ज हैं तो दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा FE के बराबर, मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तभी ये चार्ज पार्टिकल इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि FE इज इक्वल्स टू FC, ये आ जाएगा। और हम ये मान लेते हैं यहाँ पे कि ये चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो देखिए चार्ज के बीच इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है और इसकी वैल्यू होती है K Q1 Q2 अपॉन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस इसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर, ये इज इक्वल्स टू। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FC होता है मास इनटू वेलोसिटी MV स्क्वायर बाई R, ये आता है, ठीक है। ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब आपने क्लास 11th में सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये देखने को मिलता है, तो हम बोलते हैं MV स्क्वायर बाई R, ये होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया था कि जो चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है उसका मास m है, ठीक है। जो चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है इसका मास m है, ये मान लेते हैं। यहाँ से देखिए हमें सबसे पहले v कैलकुलेट करना होगा क्योंकि v अननोन है, बाकी डाटा गिवेन है, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू MV स्क्वायर बाई R, ये है, एक R से एक R कैंसिल हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन M और ये R, ये आ गया v स्क्वायर। और अगर यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें v तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है। ये आ गया हमारी वेलोसिटी। अब बात करने जा रहे हैं टाइम पीरियड की, ठीक है। तो टाइम अगर हम बोलें इसके टाइम पीरियड यानी t की, तो देखिए टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक सर्किल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये होगा टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और हम अगर बोलें कि एक सर्कुलर पाथ यानी सर्कमफरेंस क्या होगा, यहाँ पे होगा 2π और रेडियस r। अब स्पीड की बात करें तो स्पीड इसकी कितनी दे रखी है, v के बराबर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2π r अपॉन v। तो देखिए v की बात करें तो v इज इक्वल्स टू ये दे रखा है रूट में K Q1 Q2, तो K Q1 Q2 अपॉन ये MR है, MR ये दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से हम अगर सबको स्क्वायर रूट में रखना चाहें, मतलब हम चाहते हैं कि तुम भी स्क्वायर रूट में आ जाओ, तो अगर हम ये लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले इनका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। जब इनका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4 पाई का स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन में, ये तो ऊपर हो गया, ये रूट में कर देंगे इस तरीके से, अपॉन में k
के क्यू वन क्यू टू अपॉन एम आर और ये आ गया इस तरीके से, ठीक है। अब इसको हम स्क्वायर रूट में रखना चाहें सबको, तो 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम आर ऊपर चला जाएगा तो इंटू एम आर अपॉन में के क्यू वन क्यू टू ये आ जाएगा, ठीक है। अगर k की बात करें तो k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, k की वैल्यू ये होती है। अब यहाँ से इसको हम इरेज कर रहे हैं, वहाँ पे ध्यान से देखिए। जैसे अगर अब इनकी बात हम करें तो ये 4 पाई एप्साइलन नॉट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम आर अपॉन ये आ जाएगा क्यू वन क्यू टू और ये सब के सब रूट में आएंगे, इसमें आएंगे रूट में आ जाएगा। तो टी इज इक्वल टू 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पाई और पाई स्क्वायर तो ये आ जाएगा पाई क्यूब, ये एप्साइलन नॉट आर स्क्वायर इंटू आर इज आर क्यूब इंटू एम अपॉन आ गया क्यू वन क्यू टू और ये आ गया रूट में, ठीक है। तो ये आ गया है टाइम पीरियड और टाइम पीरियड आप मैच करा लीजिए अपने आंसर से, 16 पाई क्यूब एप्साइलन नॉट एम आर का क्यूब अपॉन क्यू वन क्यू टू और ये आ गया हमारा टाइम पीरियड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए दिया था कि कोई चार्ज पार्टिकल क्यू टू है, इसके अराउंड कोई चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू वन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर पाथ पे जिसकी रेडियस आर है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए टाइम पीरियड कितना होगा, मतलब ये सर्किल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमें पता होता है कि एक अंदर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर होगा क्योंकि इनके और इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ठीक है। और इसी के ऊपर एक बाहर की तरफ भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है तभी जाके ये रिवॉल्व करता है, मतलब अंदर और बाहर वाला फोर्स आपस में क्या हो जाते हैं बराबर। मतलब हम बोलते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी सेंटर की तरफ लगने वाला, तो इसको सेंट्रीपिटल और इसको सेंट्रीफ्यूगल मान लीजिए, ठीक है। तो सीपी बोल देते हैं और सीएफ बोल देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर है और ये एफसी और जो सीएफ ये आता है एम वी स्क्वायर बाई आर के। तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया है कि जो चार्ज पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा वो एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर आएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स आएगा वो के क्यू वन क्यू टू बाई आर के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो यहाँ से हमने पहले वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, ठीक है, इनकी हेल्प से वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, मतलब डिस्टेंस का मतलब ये सर्कमफेरेंस और सर्कमफेरेंस होता है 2πr और स्पीड का मतलब ये v और v की वैल्यू जब हम पुट किए हैं तो हमारा टाइम पीरियड ये आ गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये बेहतर है, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक दो बार अगेन देख लीजिएगा, ये पूरी तरह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इससे बाहर के क्वेश्चंस आपसे पूछे नहीं जाएंगे, जो क्वेश्चंस है यही हैं और ये इम्पोर्टेंट होते हैं इसीलिए हम इनको कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की सभा हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स कराए गए हैं इन न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं, ठीक है। तो और एनसीईआरटी के भी हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन किए हैं, और आप क्या करिए कि एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के जितने क्वेश्चंस हैं आप कर डालिए, ठीक है, आप कर डालिए। फिर अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, आपका कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन भी हमें भेज दीजिए, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू।